यदि आप 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो, 7 साल, 8 साल, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18 किसी भी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट एक ट्रिक से कैसे आप निकालिएगा। इससे पहले आप सूत्र जानते थे, उस सूत्र के हिसाब से निकालते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। यहाँ पर हमने 10 साल तक का एग्जाम्पल लिए हैं, और लेकिन आप इससे भी ज़्यादा साल का अगर चाहते हैं तो ज़्यादा साल का आप निकाल सकते हैं। यह कुछ रेशियो का ट्रिक है जो कि आप अगर याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फॉर जो है, अगर 2 ईयर्स के लिए 2:1 होगा, 3 रेशियो के लिए 3:1 होगा, 4 रेशियो के लिए 4 साल के लिए 4:1, 6:4:1 होगा। तो यह जो है, अगर आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं रखते हैं तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं उसके विषय में हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी मज़ेदार भी होने वाले, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रिक देने वाले कि आखिर यह रेशियो जो है कैसे आया, किस किस प्रकार से कैसे हम इस रेशियो को बिना याद किए हुए इन सारे रेशियो को निकाल सकते हैं, और इस पर क्वेश्चन हम किस प्रकार से बनाएंगे, वो भी बात हम यहाँ पर जरूर आपके सामने रखेंगे और जिक्र करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 2 रेशियो किस प्रकार से आते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम जो है आप सभी के पास सारा का सारा रेशियो जो यहाँ पर हम आप सभी के पास लिखने वाले हैं, और ताकि आपको जो किसी भी प्रकार का कोई जो दिक्कत ना हो और आसानी से जो है आप यहाँ पर समझ सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले फॉर 2 ईयर्स, अगर फॉर 2 ईयर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों, फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स तो फॉर 2 ईयर्स के लिए जो रेशियो होगा सिर्फ 2:1, 2:1, बस इसको सिर्फ याद रखना, बाकी सारा का सारा रेशियो निकल जाएगा। ये 2 साल के लिए ये 2:1, अगर आप 3 साल के लिए निकालना चाहते हैं तो फॉर 3 ईयर्स कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, आप खुद से निकाल सकते हैं, सीख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 है तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, 3 साल के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर 3 लिख देंगे। क्लियर है दोस्तों, यह ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन दोनों को क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए, इन दोनों को जो है क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2+1 कितना हो जाएगा, 3। रेशियो का साइन दीजिए और इन दोनों को जोड़कर लिख दीजिए 3। अब इसके आगे कुछ भी संख्या नहीं है, तो कुछ भी संख्या नहीं, तो यहाँ बचा क्या, 1 बचा, तो इस 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है, तो यह रेशियो बन जाएगा 3 साल का 3:1। अब आगे उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है अगला जो है नेक्स्ट, अगर साल के लिए अगर हमें यहाँ पर निकालना रहे तो अगला साल के लिए क्या, यानी कि फोर जो है 4 ईयर्स के लिए, अगर 4 साल का रेशियो अगर हमको ज्ञात करना रहे फोर ईयर्स के लिए, तो सिंपल सा यह 4 साल है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों को सेम थिंग्स, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 3 और 3 कितने आ जाएंगे दोस्तों, 6 आ जाएंगे। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 1 कितना आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। और इसके आगे कुछ नहीं, क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। यही इसका ट्रिक है ना, काफ़ी मज़ेदार। आप इस ट्रिक को जानने के बाद कितनों भी साल का होगा सारा का सारा निकाल सकते हैं। जैसे कि फाइव ईयर्स के लिए, अगर 5 ईयर्स के लिए अगर हमको रेशियो निकालना रहे तो कैसे निकालें, 5 साल है तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करने पर 6×4 कितना होता है दोस्तों, 10। सबसे पहले यहाँ पर 10 हम लिख देंगे। क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते। फिर यहाँ से इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो फिर से 6×4 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब फिर से इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे, 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5। और इसके आगे कुछ नहीं तो क्या बचेगा, ओनली फॉर 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। इस प्रकार से 5 साल का रेशियो हो जाएगा 5:10:10:5:1। इसी प्रकार से 6 साल का लिए अगर हम निकालते हैं फॉर 6 ईयर, तो 6 ईयर के लिए निकालते हैं दोस्तों, सबसे पहले 6 लिखेंगे, फिर इन दोनों को इंक्लूड करेंगे, दोनों को इंक्लूड करने पर कितना आ जाएगा, 10++5 कितने आ जाएंगे, 15। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे 15। फिर उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10+10 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 20 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 10+5 कितने हो जाएंगे, 15, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 15। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आगे का प्रोसेस जोड़ने का जरूरत नहीं, यहाँ 15 आ चुका है, यहाँ 15, तो यहाँ इस 6 को उल्टा कर देंगे, तो 15 के बाद यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 आएगा, लेकिन हम यहाँ पर लिख देंगे 6, उसके बाद अपने से रेशियो 1 बिठा देंगे। क्लियर है, उसी प्रकार से फॉर 7 ईयर,
अगर फॉर सेवन ईयर के लिए निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे सो देखिएगा, सबसे पहले सात रेशियो लिख देंगे, सात साल के लिए निकाल रहे हैं तो सबसे पहले सात लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे, इन दोनों को इंक्लूड करेंगे, पंद्रह और छः कितना हो जाएगा दोस्तों 21, फिर यहाँ पर रेशियो का साइन देंगे और यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 15 कितने हो जाएंगे 35, 20 15 कितने हो जाएंगे दोस्तों 35, अब फिर से 20 15 को फिर से इंक्लूड करना है तो कितने आ जाएंगे 35, 35 आ जाएंगे, उसके बाद आगे भी आप जोड़ सकते हैं, या तो यहाँ पर उल्टा देखिए 35 का उल्टा उल्टा चला दीजिए, इस मोमेंट पर चला दीजिए, तो यहाँ पर 35 है, 35 के यहाँ 35 के बाद क्या 21 है, तो यहाँ 35 के बाद क्या हो जाएगा 21 हो जाए, 21 के बाद क्या है दोस्तों 7 हो जाए, यहाँ पर 7 लिख देंगे, उसके बाद अंतिम में यह 7 के बाद कुछ नहीं, तो 7 के बाद कुछ नहीं तो इसके बदले हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर दो दो ट्रिक आपका एक साथ काम कर रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम 8 साल के लिए निकालना चाहते हैं फॉर 8 ईयर्स, ठीक है, तो 8 ईयर्स के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले 8 लिख देंगे, फिर इन दोनों को इंक्लूड कर देंगे, दोनों को इंक्लूड करेंगे तो 21 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा, फिर 21 और 35 को दोनों को जोड़ते हैं, 21 और 35 को अगर हम जोड़ते हैं 8 ईयर्स में तो 21 35 को जोड़ने पर कितना आता है 56, फिर 35 35 को दोनों को जोड़ते हैं 35 35 तो कितने आ जाएंगे दोस्तों 70 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, फिर 21 35 को जोड़ते हैं तो फिर से 21 35 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 56, अब यहाँ पर देखिए 56 आ चुका, अब उल्टा चल जाइए, ठीक है, आगे जोड़ने का जरूरत नहीं, 56 56 के बाद यहाँ पर क्या 28, तो यहाँ पर लिखेंगे 28, 28 के बाद कितना 8 है, 8 लिखेंगे, 8 के बाद कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 1, क्लियर है, इसी प्रकार से आपको करने। अगर फॉर 9 ईयर्स के लिए करना है तो देखिए फॉर 9 ईयर्स, तो फॉर 9 ईयर्स के लिए इस प्रकार से निकाल सकते हैं, सबसे पहले 9 हो, 9 साल है तो सबसे पहले यहाँ पर 9 लिख दें, उसके बाद इन दोनों को इंक्लूड कर दिए, तो 28 और 8 को जोड़ते हैं, 28 और 8 को जोड़ते हैं तो कितने आते हैं दोस्तों 36, उसके बाद 36 28 और 5 फिर से 56 को दोनों को जोड़ते हैं, 28 और 56 को जोड़ते हैं तो कितने आ जाएंगे 84, उसके बाद 56 और 70 को जोड़ते हैं, 56 और 70 को दोनों को इंक्लूड कीजिए, 56 70 को जोड़ने पर आएंगे दोस्तों कितने 126, फिर 56 70 को फिर से इंक्लूड करना है तो फिर से आ जाएंगे कितने 126, क्लियर, उसके बाद यहाँ पर 126 आए फिर उल्टा चल जाए, आगे जोड़ने का जरूरत नहीं, 126 के बाद क्या है यहाँ पर 84 लिखेंगे, फिर कितने 36 लिखेंगे, फिर कितने हैं 9 है, यहाँ पर 9 लिख देंगे, फिर कितने इसके बाद कुछ नहीं तो इसके बाद 1 है, तो इस प्रकार से आप जितना भी साल का चाहिए उतना साल का आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से सेम टू सेम यहाँ पर दोस्तों 10 साल का भी यहाँ पर हम निकाल के आपको बताएं, 10 साल में भी वही प्रोसेस किया गया, सबसे पहले 10 साल है 10 का लिख दिया, फिर यहाँ 9 है तो 9 को जोड़ने पर 45 आया, उसी प्रकार से 84 और 36 को जोड़ने पर 120 आएगा, इसके बाद जितना भी साल है उस सारा का सारा आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 210 आ चुका, अब 210 के बाद 120 है, 45 है, 10 है, 1 है, तो उल्टा चल रहा है, एक बार सीधा से चलेगा फिर एक बार उसको उल्टा लिख दीजिए सभी में। यहाँ पर भी देखिएगा सेम थिंग्स यहाँ पर है, देखिए 6 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं 4, तो यहाँ पर 4 के बाद 1 कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर देखिए 10 है, 10 5 1, देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 5 है, सब उल्टा की ओर जो यहाँ पर चल रहे। अब आगे इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में उसके विषय में यहाँ पर समझते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को यहाँ पर शॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम आपके सभी के पास लाएं ताकि आप बेटर तरीके से यहाँ पर जो है समझ सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को आपको आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर सोल्यूशन करके आपको जो है दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 10% वार्षिक दर पर 4000 का 2 ईयर्स का CI कितना होगा, यानी कि प्रिंसिपल यहाँ पर 4000 दिया जा रहा है दोस्तों और आपका जो है टाइम जो है 2 साल है तो CI कितना होगा इसी के विषय में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा रेशियो क्या चलेगा दोस्तों 2:1, क्योंकि 2 साल है तो 2 साल का अभी हम बताएं 2:1 चलेगा। अब यहाँ पर क्या करना है 4000 है, ठीक है, तो 4000 का हम क्या करेंगे 10% निकालेंगे, तो 4000 का 10% अगर हम निकालते हैं तो कितने आते हैं 400 रुपया, ठीक है 400, फिर 400 का फिर से 10% निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे 40। अब ये कब तक निकालना है सबसे मुद्दे की बात, यहाँ पर 2 साल है इसीलिए 2 बार 10% लिखेंगे, 3 साल रहता तो 3 बार लिखते, 4 रहता तो 4 बार यहाँ पर लिखते, लेकिन यहाँ 2 साल है इसीलिए 2 बार ही लिखेंगे। अब ये 400 जो आया और यहाँ 40 आया, इस 2 के माथे पर हम लिख देंगे 400, ठीक है, और यहाँ 40 से 1 के माथे पर लिख देंगे 400, 40। अब दोनों को क्या करेंगे यहाँ पर इंटू कर देंगे,
दोनों को इंटू करेंगे यानी कि 400 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे 800। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे 40। फिर दोनों को क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए। दोनों को प्लस अगर हम कर देते हैं दोस्तों तो कितना आ जाएंगे 840। यही इसका दोस्तों सीआई हो चुका, यही इसका आंसर। यानी कि एक सेकेंड भी नहीं लगेगा और आप आंसर निकाल सकते। हमने किस प्रकार से ट्रिक को याद रखिएगा वो हम आपको डिटेल में बता दिए। एक 3 ईयर्स वाला देख लेते हैं। तो 3 ईयर्स का रेशियो हमको पता है दोस्तों, हमारा 3 ईयर्स का रेशियो 3:1 यही हमारा रेशियो है। अगर हम इसमें 10,000 हमारे पास रुपया दिया गया है, 10,000 प्रिंसिपल है, और रेट क्या चल रहा है इसमें, इसमें रेट जो है दोस्तों, इसमें रेट आपका यहाँ पर भूल चुके हैं लिखना, तो यहाँ पर रेट आपका 10% इसमें भी रेट है, ठीक है। तो रेट जो है यहाँ पर 10% लिख देते हैं, 10% रेट, तो 10% रेट है, तो इसका सबसे पहले 10% निकालेंगे। तो 10% निकालने पर कितना आ जाएंगे 1,000 रुपया। क्लियर, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं दोस्तों आप हमें, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कैंडिडेट को दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 1,000 आ चुका, ठीक है। यहाँ 10,000 है तो 10, यहाँ पर 10,000 है, 10,000 का कितना हो जाएगा दोस्तों 1,000। अब 1,000 का फिर से 10% निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे 100। अब 100 का फिर से 10% निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों 100 का फिर से 10% निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे 10। यानी कि 3 साल, इसीलिए 3 बार की, 1 बार 2 बार 3 बार। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 के माथे पर 1,000 लिख देंगे और यहाँ पर इस 3 के माथे पर 100 लिख देंगे और इस 1 के माथे पर लिख देंगे 10। अब दोनों को क्या करेंगे, इन सभी को इंक्लूड कर देंगे गुना, तो 1,000 इंटू 3 करेंगे तो कितने आ जाएंगे 3,000। अगर 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे 300। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे 10। फिर तीनों को इंक्लूड कर दीजिए। जब तीनों को इंक्लूड करेंगे दोस्तों तो 0, 1, 3, 3 इतने वैल्यू जो है निकल के आ जाएंगे। यही आपका क्या कहलाएगा, सीआई कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो 3 साल का जो रेशियो है इस रेशियो से आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कुछ, जो यहाँ पर 4 साल का रेशियो यहाँ पर देख लेते हैं कि 4 साल का जब अगर हमको पूछा जाए तो किस प्रकार से हम 4 साल का जो है निकालेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल अगर हमें 25,000 दिया रहे और टाइम है 4 साल, रेट है 20%, तो सीआई कितना होगा। तो सबसे पहले 4 साल का रेशियो क्या होता है वो रेशियो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख दे रहे हैं। याद नहीं होगा तो 3:3:1 याद है, तो सबसे पहले 4 साल का तो हम क्या करेंगे 4 लिख देंगे। अब 3:3:1 है 3 साल का, तो 3:3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 3+1 करेंगे तो कितना आ जाएंगे दोस्तों 4, और लास्ट में 1 प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा अमाउंट कितना है 25,000 है, तो 25,000 का अगर हम 20% निकालते हैं, तो 25,000 का 20% निकालते हैं तो कितना आता है 25,000 का 20% दोस्तों 5,000 रुपया आ चुका। अब 5,000 का फिर से अगर हम 20% निकालते हैं तो कितने आएंगे 1,000। अब फिर से जब हम 1,000 का जब हम 20% निकालते हैं तो कितने आ जाएंगे 200। फिर 200 का जब हम 20% निकालते हैं तो कितने आ जाएंगे 40। इस प्रकार से आप जो है परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसके माथे पर 5,000 लिख देंगे, इसके माथे पर 1,000 लिख देंगे, इसके माथे पर 200 लिख देंगे, इसके माथे पर 40 लिख देंगे, तो हम लिखते नहीं, डायरेक्टली क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 5,000 से, 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 से तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 20,000। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे यहाँ पर 20,000 लिख देंगे। क्लियर, 20,000। फिर प्लस यहाँ पर साइन देंगे, फिर 6 को अगर हम 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे 6,000। फिर प्लस का साइन, फिर 200 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे दोस्तों 800। फिर 40 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे 40। अब तीनों को सारे चारों को अगर हम जोड़ते हैं तो चारों को जोड़ने पर दोस्तों आएगा 5,1840। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका सीआई हो जाए। अगर इसमें अमाउंट पूछ दिया जाए, इसी क्वेश्चन में कभी कभी अमाउंट पूछ दिया जाए, तो अमाउंट क्या करेंगे 25,000 प्लस 5,1, दोस्तों यहाँ पर जो है इतना नहीं होगा इसमें, ठीक है, सीआई इसको अगर जोड़ते हैं तो 0,0,0 यानी कि 40 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा
26840, इसको जो है मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो ये जो है क्या आ चुका, सीआई आ चुका, तो इनको जो है इंक्लूड करते हैं, 26840, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर अमाउंट जो बन के आएगा वो बन के आएगा 51840, यही इसका जो है सही आंसर जो है कहलाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। यानी ये जो अमाउंट बन चुका, लेकिन सीआई पूछा गया तो सीआई हमको यहीं पर ही आंसर हमारा मिल गया। उसी प्रकार से अगर हमें 5 साल का निकालना रहे तो 5 साल का अगर रेशियो हमको पता है दोस्तों, 5 साल का रेशियो क्या है, 5:5 रेशियो, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 5:10:10:5:1। अब यहाँ पर जो है 1 लग दिया गया, तो अब इसमें से निकालेंगे 1, 2, यहाँ पर 5 जीरो है तो 5 जीरो सबसे पहले बैठा देंगे, 5 जीरो है यहाँ पर दोस्तों तो 5 जीरो बैठा देंगे, 3, 2, 5। उसके बाद हम यहाँ पर 10% निकालेंगे, जब इसका जब हम 10% जब निकालने के लिए अगर जाते हैं तो निकालने के लिए जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4 जीरो हो जाएंगे। फिर दोस्तों जब इसका हम 10% निकालने जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 1,000 आ जाएंगे। फिर जब हम इसका 10% जब निकालने के लिए जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। फिर दोस्तों जब हम इसका 10% निकालने के लिए जाएंगे, 10% फिर से जब हम निकालने के लिए जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 10। कितना बार निकालना है, 5 साल है तो 1, 2, 3, 4 और एक बार निकलेगा हमारा 5, यानी कि 10 का 10% कितना होगा, 1, ठीक है। अब इस एक इस 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,000 को 10 से, इसी प्रकार से आगे भी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम सारा मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 50,000, कितने आ जाएंगे दोस्तों, 50,000, ठीक है, 50,000। फिर प्लस, फिर 1,000 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 10,000, क्लियर। फिर 10 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 1,000। फिर 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 50। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 1। इन सभी को जब जोड़ते हैं, जब सभी को जोड़िएगा दोस्तों तो आएगा 61051। तो यह जो क्या कहलाया, सीआई कहलाएगा दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी के लिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स पर सारे लोग जरूर से जरूर आप करिएगा। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि कितने क्वेश्चन हम यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर जो है दे रहे हैं। ध्यान से आप यहाँ पर नज़र रखिएगा, आपको काफ़ी मज़ेदार होने वाले। हम सबसे पहले प्रिंसिपल दे रहे हैं एक क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स पर, एक दे के हम 10 जीरो बिठा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। रेट दे देते हैं 10% और टाइम दे देते हैं 10 साल, 10 ईयर्स। तो सीआई कितना होगा ये आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें लगता है कि आप सभी समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को, और अगर आप समझ चुके हैं तो इसका सही आंसर जरूर से जरूर आप हमें बताइएगा। और वीडियो पसंद लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी भी ना भूलें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा कर जुड़ जाएं। तो इसी प्रकार से और इंटरेस्टेड क्वेश्चन के साथ आते हैं फिर से दोबारा। यह सीआई का कंपाउंड इंटरेस्ट का शॉर्ट ट्रिक कैसे लगा, नीचे कमेंट लिख कर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।